हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब इसके बीच में देखिए, ये लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बिल्कुल इसी के जैसा है, वो मैंने नहीं किया है, सो वो आपके लिए है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपके सिलेबस से कट हो चुका है, बिकॉज वो एंगल्स वाले क्वेश्चन है, एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उसको कट कर देना। देन क्वेश्चन नंबर 12 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब पी की वैल्यू निकालनी है, और आपको एक इक्वेशन लाइन की ये दे दी, एक इक्वेशन ये दे दी, एंड बोला दे दोनों ये जो इक्वेशन है दे आर एट राइट एंगल, यानी कि दोनों इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, जीरो दिया हुआ है, प्रूफ तो नहीं करना है, जीरो दिया हुआ है, हमें बस मिसिंग वैल्यू पी निकालनी है। अब बच्चों को पता है कि ये कॉन्सेप्ट लगता है, और वो फटाफट से क्या गलती करते हैं कि अच्छा एक्स के नीचे वाला ए, वाई के नीचे वाला बी, जेड के नीचे वाला सी, ये ए वन बी वन सी वन हो गया, और इधर इसके नीचे वाला ये ए टू बी टू सी टू हो गया, वैल्यू सीधा पुट करते हैं, आंसर आ जाता है, बट वो आंसर गलत आएगा। अब क्यों गलत आएगा वो सुनो, यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ना क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन बी, यहाँ पे कुछ और ही है, वन माइनस एक्स, इधर सेवन माइनस एक्स, यहाँ सेवन माइनस फोर्टीन, यहाँ पे टू पी, जेड माइनस थ्री और टू, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिक्स माइनस जेड और फाइव है, ये ठीक नहीं है। तो पहले तो इक्वेशन को देखना है आपने, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तब उसके नीचे वाले को आप ए बी सी मानोगे, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में आपको 1 माइनस एक्स अपॉन 3 दिया हुआ है, मैंने इसको क्या लिखा, माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, माइनस एक्स प्लस 1 बात तो एक ही हुई अपॉन 3। अब इसको 7 बाय माइनस 14, मैंने 7 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 अपॉन 2 पी, इधर z माइनस 3 अपॉन 2, ये तो सही चल रहा है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास x माइनस 1 अपॉन 3 बचा, यहाँ पे आपके पास क्योंकि y माइनस y1 होता है, साथ में कुछ नहीं चाहिए, ये जो 7 है जब नीचे जाएगा तो 2p में डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, यहाँ z माइनस 3 बाय 2 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 है, ये माइनस में यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे y माइनस 2 अपॉन 2p माइनस 7, z माइनस 3 अपॉन 2, अब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। तो अब आप यहाँ से ए वन बी वन सी वन निकाल सकते हो, दिस इज योर ए वन, दिस इज योर बी वन, दिस इज योर सी वन, तो हमने यहाँ से वैल्यूज निकाली। अब सेम चीज हम सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये रही, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, पहले तो एक्स आगे होना चाहिए, ये पीछे, तो माइनस एक्स प्लस सेवन अपॉन थ्री पी आ गया, या y माइनस फाइव अपॉन वन, ये तो ठीक है, इसको भी आगे पीछे करते हैं, माइनस जेड प्लस सिक्स अपॉन फाइव। अब यहाँ पे फर्स्ट में माइनस सेवन कॉमन ले लें तो x माइनस वन आ जाएगा अपॉन थ्री पी, ये ठीक चल रहा है, इधर माइनस कॉमन ले लें तो z माइनस सिक्स अपॉन फाइव। ठीक है, मेन पॉइंट समझ रहे हो ना कि पहले x, y और z आना चाहिए, उस फॉर्म में हमें लिखना है। अब ये जो माइनस सेवन है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ x माइनस एक्स वन होता है, तो ये नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आपके पास ठीक चल रहा है, ये माइनस इधर नीचे चला गया माइनस फाइव, अब बन गया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, तो यहाँ से ए टू बी टू और सी टू हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों राइट एंगल पे है, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम ये वाला लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है, तो हमने निकाली ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू पुट की 90 बाय 7, इधर 2p बाय 7, इधर माइनस 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11p बाय 7 माइनस 10, उधर जाके पॉजिटिव 10 हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर गया, p की वैल्यू 70 बाय 11। ओके, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर जरूर जा सकता है बट मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत हैवी है, ना बहुत ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ रही है, सिर्फ डायरेक्ट चीजें हैं वो याद रख लो एंड उन्हें फॉर्मूला में, सॉरी क्वेश्चन में उनको डाल, दैट्स इट। नेक्स्ट
थर्टींथ क्वेश्चन, शो दैट द लाइंस, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फिर से परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आप यहाँ से ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू निकाल लो तो इज इक्वल टू जीरो करना है. अब देखो यहाँ पे पहले चेक कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन. तो यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, जेड वन अपॉन सी स्टैंडर्ड फॉर्म तो चल रही है. इधर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन में भी जीरो होगा अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन, वाई वन भी जीरो होगा अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन, जेड वन भी जीरो हो सकता है अपॉन सी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है. अब सिंपल था, ये वाला आपके पास ए वन हो जाएगा, वाई के नीचे बी वन होगा और जेड के नीचे सी वन. यहाँ दूसरी इक्वेशन में एक्स के नीचे ए टू, वाई के नीचे बी टू और जेड के नीचे सी टू. तो हमने वैल्यू डाल दी और यहाँ पे पता है परपेंडिकुलर है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है. वैल्यू पुट करो, देखो आंसर आपका जीरो आ रहा है, देन इट मीन गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, यहाँ पे ये जब वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो मत लिख देना, क्योंकि अभी हम प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखना कि आपके पास फॉर्मूला है जिसमें आपको जीरो आना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. अब ये आपको डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट आपके पास फॉर्मूला है जो आपको यूज में आएगा. अभी तक हम क्या कर चुके हैं, एक तो दो केसेस कर चुके हैं कि इक्वेशंस कैसे लिखनी है, और हम परपेंडिकुलर चेक कर चुके हैं. परपेंडिकुलर करना है तो जीरो के बराबर करना होता है, और हमने पैरेलल किया है कि जो रेशियोज हैं अगर वो बराबर आती है, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, तो अगर ये रेशियोज बराबर आती है देन दो लाइन पैरेलल होती है. ये लास्ट आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस वाला. अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला समझ लीजिए. देखो आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, एक वेक्टर आपको ये दे दिया, दूसरा वेक्टर ये दे दिया. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास ये है, यहाँ पे भी मॉडल देखने में बड़ा लग सकता है बट आसान बहुत. देखो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, ये मॉडुलस है साइड में लगा हुआ है, जो न्यूमिरेटर में इज योर डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला आपने याद रखना है, फर्स्ट रो इज एक्स टू माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इजी है. देन सेकंड रो आपकी a1 b1 c1, थर्ड रो आपकी a2 b2 c2, ये आपका न्यूमिरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में आपने अंडर रूट के अंदर अब ये लिखना है. इसमें याद करने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बट इसका आप अपनी तरफ से भी लर्न करने के लिए तरीके बना सकते हो. मैं भी आपको एक बता देती हूँ. देखो आप क्या लिखेंगे, आपने फर्स्ट ब्रैकेट लिखनी है बी सी माइनस बीस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या आएगी, सी ए माइनस सी ए का स्क्वायर, और थर्ड आपके पास आएगी ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर. इस तरीके से लिख दिया. उसके बाद क्या करना, देखो वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, बन गया आपका फॉर्मूला. ठीक है, बाकी आपको किसी और तरीके से आसान लगता है तो आप वो कर सकते हो. ये मुझे इजीएस्ट तरीका समझ में आया, ताकि आपकी गलती ना हो, बिकॉज फॉर्मूला तो इजी है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, बट अगर आपने बी वन की जगह सी टू डाल दिया, सी टू की जगह ए वन डाल दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला. अब फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे डलेंगी वो समझो. आपके पास एक्स वन एक्स वाई वन जेड वन कैसे होगा, आर वेक्टर, पहले तो फर्स्ट वेक्टर की बात कर लेते हैं, इसकी सारी टर्म्स आपके पास वन वन में हो और दूसरे वेक्टर की टर्म्स आपके पास टू टू में हो. ठीक है, अब जो ये वाला फर्स्ट पोर्शन होता है, दिस इज योर एक्स वन वाई वन जेड वन, यानी आई कैप का कॉफिशियंट एक्स वन, वाई जे कैप का कॉफिशियंट वाई वन, के कैप का कॉफिशियंट जेड वन. तो हम एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हुआ, वन टू वन, तो वही लिखा वन टू वन. ऐसे ही
नीचे भी इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट होगी, यहाँ पे एक्स टू वाई टू जेड टू, यानी एक्स टू इज टू, वाई टू इज -1, जेड टू इज -1, तो देखिए 2 -1 -1। अब आ जाते हैं सेकंड ब्रैकेट पे जो लैम्डा के बाद आ रही है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे लैम्डा ही हो, यहाँ पे कोई भी आपको कांस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है, थीके? जो कांस्टेंट के साथ वाली ब्रैकेट हो, ये वाली आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आपके पास a1 b1 c1। तो यहाँ पे i कैप के साथ a1, j कैप के साथ b1, k कैप के साथ c1, तो 1 -1 1, तो ये आपके पास a1 b1 c1। सेम आप सेकंड ब्रैकेट में जाइए, यहाँ पे न्यू है, न्यू के साथ वाली जो ब्रैकेट है ये क्या होगा, 2 इज योर a2, 1 इज योर b2, एंड अगेन 2 इज योर c2, तो a2 b2 c2। ठीक है, आपने सब वैल्यूज निकाल दी। अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल दो। ठीक है, अब मैंने सारी वैल्यूज देखो फॉर्मूला में जो आपको दिया था मैंने उसकी जगह पुट कर, अब क्या करना है, न्यूमिरेटर में तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट में हमें पता है प्लस माइनस प्लस का साइन लगाते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम 1 को सॉल्व करेंगे, तो इधर 1 लिखा तो ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो कैंसिल, तो -1 × 2 -2 × -1, ये आ गया। अब सेकेंड अगर हम -3 का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो -3 को सॉल्व करेंगे तो -3 वाली जो रो है और -3 वाला जो कॉलम है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × 2 2 -2 × 1 -2, उसका स्क्वायर भी है। अब थर्ड में जब जाएंगे तो थर्ड वाली रो एंड थर्ड वाला जो कॉलम है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास 1 × 1 1 -2 × -1 +2 स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉरी यहाँ पे था, आई एम सो सॉरी, मैंने नीचे वाला एक्सप्लेन कर दिया आपको गलती से, यहाँ पे मैं दोबारा से कर रही हूँ। 1 ये फर्स्ट रो और फर्स्ट जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम करेंगे, -1 × 2 -2 एंड -1, तो ये आ गया। सेकेंड में देखिए -3 से करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 × 2 -2 × 1, तो ये आ गया। थर्ड में आपके पास -2 है, तो आपके पास ये जो रो है और ये कॉलम कैंसिल, 1 × 1 -2 × -1, तो 1 + 2। अब डिनोमिनेटर में भी देखिए -2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर 9, इधर 2 - 2 तो 0 हो गया, इधर 1 + 2 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, और आपके पास मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस इसलिए क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव। आप यहाँ पे न्यूमिनेटर देखिए सॉल्व कीजिए, -3 - 6 - 9 आया। डिनोमिनेटर में आपके पास 9 + 9 √18 बनेगा, √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√2, ये मैंने 3√2 लिख दिया, ये 3 से 3 कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचा, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस बन रहा था, बट बिकॉज ऑफ मॉड आप पॉजिटिव कर दो, तो आपके पास 3/√2 आंसर आया। डिनोमिनेटर में अगर आप रूट आता है तो रैशनलाइज कर देते, जब इसको भी आप रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 एंड √2 करोगे, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 3√2/2। ठीक है, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद करना है, और इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी होंगी वो ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखो दो इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, अब आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि ये फर्स्ट फॉर्म वाली चल रही है, x - x1 / a1, y - y1 / b1, z - z1 / c1, तो यहीं से मैंने x1, y1, z1 और a1, b1, c1 की बातें निकाल। अब सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, x - x2 / a2, तो मेरे पास x2 और a2 की वैल्यू आ गई। देन y - y2 / b2, तो मेरे पास y2 एंड b2 की वैल्यू आ गई। देन z - z2 / c2, तो मेरे पास z2 और c2 की वैल्यू। अब जब वैल्यू सब आ ही गई है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे बस एक मोड लगा देना बाहर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, इसमें ये वैल्यूज डालिए, वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, बीच में मैंने 16th क्वेश्चन स्किप किया है बिकॉज वो भी बहुत ही सिमिलर था। लास्ट 17th क्वेश्चन जो है
वो भी इसी के जैसा ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है, बट फर्क क्या है, आपको यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में समझते हो ना, आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तभी तो आप एक्स वन वाई वन जेड वन निकाल पाओगे। बट यहाँ पे देखो, वन माइनस टी आई कैप, टी माइनस टू जे कैप, टी माइनस टू टी के कैप अलग ही नहीं है। यहाँ पे लैम्डा की जगह आप ध्यान दो, यहाँ पे टी वेरिएबल यूज किया गया, कॉन्स्टेंट जो सॉरी कॉन्स्टेंट जो है वो टी यूज किया गया। अगर सेकेंड वेक्टर की बात करूं तो लैम्डा की जगह यहाँ पे एस यूज किया गया। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। आपके पास क्या करना है, देखो फर्स्ट वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, पहले उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, वन इंटू आई कैप वन आई कैप माइनस टी इंटू आई कैप टी आई कैप, इधर टी इंटू जे कैप टी जे कैप माइनस टू इंटू जे कैप माइनस टू जे कैप, थ्री इंटू के कैप थ्री के कैप माइनस टू इंटू टू टी के कैप, ये आपके पास आ गया। देन आपके पास आर वेक्टर। अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास जहां जहां टी वाले हैं उनको तो आप छोड़ दो, जो नॉर्मल है आप उनको लिखो। जैसे वन आई कैप है, माइनस टू जे कैप है और थ्री के कैप है, ये आपके पास पहली ब्रैकेट में। प्लस अब क्या कॉन्स्टेंट लिया हुआ है, टी, तो आप टी कॉमन ले लो। अब टी में आई कैप वाली कौन सी है, ये रही माइनस आई कैप, तो ये लिखा। जे कैप वाला ये टी कॉमन ले लिया तो प्लस जे कैप, के कैप वाला ये आपके पास टी बाहर ले लिया तो माइनस टू के कैप, अब ये आपकी स्टैंडर्ड बनी। सेम चीज आपने सेकेंड इक्वेशन के साथ करना है, एस प्लस वन को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, इधर 2s माइनस 1 को j कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, 2s प्लस 1 को k कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल i कैप j कैप k कैप पहले तो वो अलग कर लो। ये 1 आपके पास i कैप माइनस 1 j कैप माइनस 1 k कैप, इनको करके फर्स्ट ब्रैकेट। अब इसमें s कांस्टेंट है, s कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, i कैप, फिर यहाँ पे 2 j कैप क्योंकि s कॉमन ले लिया है, यहाँ पे माइनस टू के कैप क्योंकि एस कॉमन ले लिया। अब ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आपने क्या क्या निकालना होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट जो होती है, ये आपके पास एक्स वन वाई वन जेड वन आ गया, इसकी भी फर्स्ट ब्रैकेट एक्स टू वाई टू जेड टू आ गई, कॉन्स्टेंट के साथ वाली ब्रैकेट ए वन बी वन सी वन हो गया, इधर कॉन्स्टेंट के साथ वाली ब्रैकेट ए टू बी टू सी टू, आपने वैल्यूज डालनी है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। देन नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा है, आपने वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, मैंने आगे का पार्ट नहीं आपको सॉल्व किया है, दिस इज योर होमवर्क, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट योर, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है।